हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। मेरी डार्किन, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सुपर डांसर फोर से रिलेटेड एक बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन आ रहा था कि टॉप फाइव में कौन कौन कंटेस्टेंट्स हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं और कौन कौन कंटेस्टेंट्स हैं जो पेंडिंग में है और सेलेक्ट होने वाले हैं। तो गाइस, आज इस वीडियो में फुल डिटेल देने वाला हूँ पूरे सच्चाई के साथ मेरे भाई। पहली बात मैं आपको बता दूं कि टॉप फाइव में कौन कौन कंटेस्टेंट सेलेक्ट हो चुके हैं। तो गाइस, टॉप फाइव में जो दो कंटेस्टेंट्स हैं जिनके नाम मैं बताने वाला हूं, वो कंटेस्टेंट सेलेक्ट हो चुके हैं, मतलब कि एकदम कंफर्म है लगभग, ठीक है। तो वो दो कंटेस्टेंट्स का नाम है, पहले नंबर पे है फ्लोरिना गोगोई, भाई इनका टॉप फाइव में रहना लगभग कंफर्म, मान लो कंफर्म है एकदम। और दूसरे कंटेस्टेंट है पृथ्वीराज। पृथ्वीराज इसलिए मेरे भाई क्योंकि इस हफ्ते के सबसे ज्यादा हाईएस्ट वोटिंग सेकेंड रैंक पे पृथ्वीराज है, ठीक है, तो इनका भी रहना लगभग कंफर्म है। अब तीसरे कंटेस्टेंट है संचित चनाना, इनका भी लगभग भाई टॉप फाइव में रहना कंफर्म है क्योंकि संचित चनाना का पॉपुलरिटी बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद भी बहुत से ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जो टॉप फाइव में होने चाहिए क्योंकि सभी का परफॉर्मेंस अच्छा है, जैसे नीरजा हो गई, ऐसे ऐसे कंटेस्टेंट्स बहुत ही कंटेस्टेंट्स हैं। तो गाइस, मैंने आपको दो तीन कंटेस्टेंट्स का नाम बता दिए हैं टॉप फाइव में रहने वाले। अब आप मुझे ये बताइए कि और जो दो कंटेस्टेंट्स बच रहे हैं वो कौन कौन कंटेस्टेंट्स होने चाहिए टॉप फाइव में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और मेरे भाई यही दो कंटेस्टेंट्स हैं जो जिनका कंफर्म है लगभग, ये दो तीन कंटेस्टेंट्स, फ्लोरिना गोगोई, पृथ्वीराज और संचित चना, ये लोग का लगभग कंफर्म मान लीजिए आप। तो आप ये बताइए कौन कौन कंटेस्टेंट्स हैं जो जिनके टॉप फाइव में होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। सो गाइस, यही है सच्चाई। और भी कोई क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। लव यू गाइस एंड थैंक यू मेरे भाई लोग।